कल की मजलिस में मुझे किबला सैयद बदर अब्बास नकवी साहब नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे उनकी कमी महसूस हुई। तो मेरा दिल ये चाहता है, मैं वो आवाज़ सुनना चाहता हूँ जिस तरह वो ऐलान फरमाया करते थे कि अब आपके सामने बरादर अज़ीज़ ख़तीब हुसैनियत सैयद ज़मीर हुसैन नकवी खिताब करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि बदर भाई आके वही ऐलान फरमाए। दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात अब आपके सामने बिरादर अजीज खतीब हुसैनियत जनाब सैयद ज़मीर हुसैन नकवी साहब मजलिस एजाज से खिताब फरमाते हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। समंदर बन जाते हैं, कतरे समंदर बन जाते हैं, कुछ लोग सिकंदर बन जाते हैं। फिर अली का करने से फिर लोग कलंदर बन जाते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके तमाम तमन्नाया यकजा करके मुबद्दत अहले बैत में शरशार होकर नारे بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولن تصلوا बिरादरान ईमानी मवालियान हैदर करार व आशिकान हुसैन इब्ने अली, आज की ये मजलिस हमारे सिलसिले गुफ्तगू की दूसरी मजलिस है। कुरान मजीद की मारूफ आय वाफी हिदायत को मैंने सरनामा गुफ्तगू करार दिया है। इरशाद परवरदिगार है, मैं जब तक गैर इस्लाम दीन फलयुकबल मिन हो वह वाफिल आखिरत मिन खासरीन, कि जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को अपने लिए पसंद किया तो दीन उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो शख्स आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। कल की मजलिस में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इस्लाम वो बेहतरीन दीन है कि जो आज मुसलमानों की बदतरीन साजिशों का शिकार है। कल गुफ्तगू इस मंजिल पर पहुंची थी कि इस्लाम ने